नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं, दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनसे भी तीखे सवाल पूछते हैं। योगी सरकार ने सड़कों की स्थिति खराब होने से हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया, जिसका शहरी क्षेत्रों में खासा असर देखने को मिला है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के गोंडा से, जहां पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। एक तरफ सरकार गांवों को शहर और नगर से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं चलाकर गांवों की तस्वीर बदल रही है और गांवों के विकास के लिए सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है, जिससे गांव के लोगों को हर संभव सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार ने अभियान भी चलाया था, जिसका असर शहरी इलाकों में तो देखने को मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने निकल कर आया है, जहां पर गोंडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक इटिया थोक के कुकरिया गांव की सड़क का निर्माण न होने से लोगों को आए दिन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खड़ंजे से बने सड़क पर किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं और इसी सड़क से लोग रोजाना अपनी मंजिल तय करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने सड़क निर्माण को लेकर सुध नहीं ली। साथ ही बताया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होने पर गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। दिक्कतें तो हर रोज, अभी औरत जा रही थी, वो गिर गई, उसके थोड़ा पैर में फ्रैक्चर हो गए। इसी तरह से काफी गड्ढे सड़क पे आपको नजर आ जाएंगे अगर आप देखेंगे। बराबर हम स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के विधायक से और लोकसभा सांसद से, जो कृतिवर्मन जी राजा भैया, उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस गांव की तरफ ध्यान दें और इस गांव के विकास में यहां के प्रधान से सहकार्य करके मदद करें। बुढ़िया ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये रोड आता है और ये 27 नंबर से कुरिया तक ये रोड जर्जर है। ये एक सिंगल रोड है, खड़ंजा रोड है, जो खराब है और पूरे ग्राम पंचायत के लिए रास्ता ठीक नहीं है। इसके कई बार शासन से शिकायत की गई है और सांसद जी से भी कहा गया है निर्माण के लिए का, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पुनः सांसद जी से मिलकर जो 27 नंबर पर कार्यक्रम लगा हुआ कहा जाए और इसे दुरुस्त कराया जाए। ये कुकुरिया 27 नंबर को जोड़ता है ये रोड, इस रोड पे हम खड़े हैं। ये सिंगल रोड है, खड़ंजा निर्माण है। इस गांव के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अभी लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं तो यही गांव वाले जाने एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँचेगी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर 27 नंबर है, वहां तक एम्बुलेंस आएगी। यहाँ से खाट से या मोटरसाइकिल पे बिठा करके ले जा सकते हैं। इस क्षेत्र के सांसद और विधायक का ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहते हैं। अधिकारियों से कहा गया, गांव वाले भी कहे हैं और विधायक से भी हमारा उम्मीद है, सांसद जी से भी हमारा गुजारिश है कि इस पे ध्यान दिया जाए और ये काम को वो किया जाए। करीबन 3,500 आबादी है गाँव का। सर कैसे कैसे असुविधाएं होती हैं आप लोगों को इस रोड के ना? ये रोड 10 साल से तो कुछ भी नहीं मिला है, उसके बाद में भी अगर कुछ तकलीफ, बारिश वारिश में तो इतनी तकलीफ रहता है आने जाने का सबको। अगर कभी कोई मोट मट्टी हो जाए, कोई हॉस्पिटल ले जाना है तो सीधा 1 किलोमीटर 27 नंबर को ले जाना पड़ता है, खाट से ले जाओ या कुछ से ले जाओ, ऐसे हालात। तो सुना आपने किस तरह से सड़क बदहाली के आंसू बहा रही है। पिछले कई सालों से सड़क के निर्माण को लेकर अधिकारियों के चौखट के ग्रामीण चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से हर बार ग्रामीणों को केवल आश्वासन मिल रहा है। वही हमारे संवाददाता सतीश ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनपद को स्मार्ट सिटी बनाने की तमाम प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। ग्राम पंचायतों को व गांवों को स्मार्ट सिटी जैसे तर्ज पर करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वही गोंडा जनपद की बात की जाए तो गोंडा जनपद के मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर बसे थोक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत का हाल बेहाल है,
जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर न किसी जिम्मेदार अधिकारियों की नजर गई है, न ही किसी जनप्रतिनिधि की। जिस तरीके से गांव के रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है, गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए चार कंधों का सहारा लेना पड़ता है। वहीं इस मामले में जब पत्रकारों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेंगे। न्यूज वॉच इंडिया के लिए गोंडा से सतीश वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने ये तस्वीरें देखी, यहाँ पर किस तरीके से सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की बात करते हैं तो लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे तीखे सवाल पूछे गए तो कोई भी अधिकारी नहीं बोला। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, एम्बुलेंस आने में यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज बात सरोकार में इसी मुद्दे पर दमदारी के साथ सवाल पूछेंगे, चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी तीखे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ, सड़क अभी तक खराब क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर क्या कर रहा है प्रशासन यहाँ का, क्योंकि सवाल पूछने लाजमी हो जाते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी जेब भरने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खुली है और ये सड़क बदहाली के आंसू बहा रही है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने आपको ये भी सुनाया कि यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है। उनकी बस एक ही मांग है कि सड़क को बनाया जाए, क्योंकि सड़क नहीं होने से उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही थी किस तरीके से यहाँ पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आपको जानकारी दे दें कि गोंडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक इटिया थोक के कुकरिया गांव की सड़क का निर्माण न होने से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सतीश। देखिए सतीश, बात करते हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी किस तरीके से यहाँ पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यानी कि बात करते हैं यहाँ पर सड़क ना होने से लोग परेशान हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सतीश, योगेश है लगातार सड़कों को लेकर अभियान चलाते हैं और चला भी रहे। 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान जो था शहरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जिले के आला अधिकारी हैं, वह जनप्रतिनिधि हैं, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। अगर बात की जाए तो गोंडा जनपद से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर बसे इतिया थोक ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिकुरिया के रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है। अगर उन्हें अस्पताल जाना पड़े तो चार कंधों की जरूरत पड़ेगी, वहां पर कोई फोर व्हीलर वाहन नहीं पहुंच पाएगी। वहां के नागरिकों का कहना है कि यहां तक कि लगातार जनप्रतिनिधियों से व अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं वह जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो किसानों की समस्याओं व नागरिकों की समस्याओं को अनसुना कर कार्य कर रहे हैं। जी देखिए, इस तस्वीर की बात करते हैं तो कितने सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को कितने दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ा है। सतीश, बिल्कुल बिल्कुल दिव्यंग, तस्वीरें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाई जा सकती है। तस्वीरें ऐसा बयां कर रही हैं जैसे कि 18वें शताब्दी में लोग जीने को मजबूर हैं। जी देखिए, बात करते हैं यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमने कई सारे लोगों को सुना, वो कहते हैं कि ना तो यहाँ पर एम्बुलेंस आ पाती है, ना यहाँ पर फोर व्हीलर आ पाता है, तो आखिर इसका रीजन क्या है? प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं सड़क को बनाया जाता है? बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वह जनप्रतिनिधि है, उनका ध्यान इधर नहीं आ रहा। अगर चुनाव के समय जब लोगों को वोट की आवश्यकता पड़ती है तो जो ग्रामीण है उनके पास जाते हैं, वो
उन लोग होने वादे कर कर उसके बाद जीतने के बाद भूल जाते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि अधिकारियों से व जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी समस्या से निजात दिलाने के लिए तैयार नहीं है। जी, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, आपने कभी ये जानने का प्रयास किया, लोगों से आपने बातचीत की है, तो अधिकारी कहते क्या है, सवाल ये खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई तो आन कैमरे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वही बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना यही है कि मामला संज्ञान है, जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, इससे पहले जब ग्रामीण शिकायत करते थे तो ग्रामीणों की समस्याओं को क्यों अनसुना कर दिया गया, जब मीडिया के संज्ञान में कोई मामला आता है तभी अधिकारी क्यों मामले की संज्ञान लेते हैं। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उनका भी अपने समस्याओं से अवगत कराने का जिम्मेदार अधिकारियों से अधिकार है और जिम्मेदार जो जिले के अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अनसुना करते हैं और कुमकरणीय नीति सोचते हैं। जी देखिए, गांव वासियों की बात करते हैं तो उन्होंने कभी जो नेता हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उनको बताया उनकी अपनी शिकायत क्या है, उनकी समस्या क्या है? बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं ये कोई एक दो लोगों का मामला नहीं है, सत्यम देवेंद्र लगभग यहाँ पर 4,000 लोगों की आबादी है, सभी लोग इस तरफ से लेकर परेशान हैं, इस मार्ग से आने जाने को मजबूर हैं। अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चे जो हैं वो भी इसी मार्ग से आते जाते हैं, वो भी मजबूर हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं। जी, यानी कि 4,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही साथ जो जिम्मेदार नेता हैं वो भी यहाँ पर मौन साधे हुए हैं। सतीश जी बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो केवल चुनाव के समय ही उनको नागरिकों की याद आती है, जो ग्रामीण हैं केवल चुनाव के समय ही उनको याद आती है, काम निकल जाने के बाद ग्रामीणों को भूल जाते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर यही आरोप है कि जनप्रतिनिधियों से भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन शिकायत को अनसुना की जा रही है। जी देखिए, जो गांव के जो प्रधान है उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल देवेंद्र, गांव के जो ग्राम प्रधान है उनसे बात करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी देखिए, कहीं ना कहीं देखिए बात करते हैं, ये जो गांव का जो इलाका है इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है उसी के अंडर आता होगा, उसके बाद भी अगर यहाँ का विकास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसमें ग्राम प्रधान की गलती है। बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं इसमें ग्राम प्रधान की भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जो खरंजा है ये काफी पहले है, तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि काफी पहले इस खरंजे का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो ना ही RCC की निर्माण की गई, ना ही यहाँ पर दोबारा खरंजा लगाया गया, आने जाने को मजबूर है। जी देखिए बात करते हैं, गांव की जो पॉपुलेशन है वो 4,000 के आसपास है, लेकिन बच्चों की बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती होगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो दूरी की बात करते हैं, दूरी कितनी है सड़क की? बिल्कुल देवेंद्र, अगर दूरी की बात की जाए तो काफी लंबा दूरी है, जो जाने वाले बच्चे हैं काफी दूरी तय करके इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं, वो भी अगर साइकिल से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो गिरकर चोटिल भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा, आप हमारे साथ बने रहिए, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गड्ढा मुक्त अभियान की यहाँ पर पोल खुल रही है, गांव से जो लोग आते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अधिकारियों की बात करते हैं, अधिकारी लगातार आश्वासन देने का जिम्मा संभाले हुए हैं लेकिन जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। सतीश देखिए बात करते हैं अधिकारियों की, तो अधिकारियों से लगातार न्यूज वॉच इंडिया भी सवाल पूछता है, आपने भी सवाल पूछने का काम किया है, तो जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों साधे हुए हैं और साथ ही साथ जो जिले के आला अफसर हैं उनका क्या कुछ कहना है? गांव वासियों ने उनको भी यहां पर जो सड़क है उसके बारे में बताने का प्रयास किया होगा, क्या उसके बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अफसर हैं? सतीश जी बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं DM डॉक्टर उज्जवल कुमार, बस वीडियो से भी बात करने की कोशिश की गई तो जितने भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मामला संज्ञान में आई है, जल्द ही इस पर कार्रवाई कराई जाएगी, जल्द ही सड़क का निर्माण करा दी जाएगी। लेकिन अब तो ये देखने वाली बात होगी सत्यम
देवेंद्र की कब ये निर्माण होगी, कब ग्रामीणों को इस मार्ग से सुविधा मिलेगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखने वाली बात होगी यहाँ पर कब तक गाँव वासियों को इस सड़क से निजात मिल पाती है। लेकिन ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान है, हैरान है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर 4000 की पॉपुलेशन है, यानी 500,000 लोगों की बात नहीं है, 4000 एक बड़ी आबादी हो जाती है। उसके बाद भी अगर सड़क को अच्छी तरीके से नहीं बनाया जाता है तो सवाल पूछने लाजमी हो जाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, उसके बावजूद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नहीं सो रहे हैं, अगर उनसे बात की गई। निखिल ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक ना तो यहाँ देखने आए हैं, ना है जो यहाँ के विधायक हैं, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है। बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं यही जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वह विधायक है, यही इनकी कमियां है। जब इनसे सवाल करने की कोशिश की जाती है तो ये सवालों से बचते नजर आते हैं। अभी इनसे पहले ही बात की गई तो ये अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी गाँव के प्रधान की बात करते हैं, हम लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आपने भी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया होगा। तो जो गांव के प्रधान है वो गांव के अंदर ही रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं? क्योंकि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो उसका मतलब यही है कि गांव का जो प्रधान है वो जरा भी पूरी तरीके से लापरवाह हो चुके हैं, उनको गाँव वासियों की जरा भी परवाह नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, तस्वीरें साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान है वो अपनी लापरवाही इस प्रकार कर रहे हैं कि उसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, बदाली के आंसू इस सड़क पर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लगातार विधायक जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं लेकिन विधायक जी का नंबर स्विच ऑफ है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार इसके पीछे कौन है? देखिए यहाँ पर सतीश बात करते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है मुख्य तौर पर वो कौन है? क्योंकि सरकार यहाँ पर पैसा देने का काम करती है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, वो अपना पेट भरने के लिए पैसे डकार जाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जिले के चाहे वो जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए, जो बीजेपी विधायक है विनय कुमार द्विवेदी या जो ब्लॉक प्रमुख है, सभी लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लापरवाही इस प्रकार पर बरत रहे हैं कि उसका खामियाजा साफ तौर पर तस्वीर में देखी जा सकती है कि किस प्रकार से ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी किस तरीके से यहाँ पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। सरकार गांव और शहरों को जोड़ने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास करती है, सड़कों को अच्छी करने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सरकार तो अपना काम कर देती है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हैं, जो ना तो सड़क को बनाते हैं और जब इनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाता है तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। इसी कड़ी में यूपी के गोंडा में हमने विधायक जी से बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन विधायक साहब का फोन स्विच ऑफ था और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है कि इन सब के पीछे कौन है? यहाँ पर सालों बीत जाते हैं, लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, उनको काफी दिक्कत होती है लेकिन उसके बाद भी ना तो विधायक जी सुनते हैं, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी सुनता है और ना ही ना यहाँ के ग्राम प्रधान सुनने के लिए तैयार होते हैं। देखना होगा कब तक इस सड़क का निर्माण हो पाता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।